नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ द्वारा शुक्रवार की सुबह वार्षिक निरीक्षण के दौरान रैतिक परेड की सलामी ली गई व परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पीटी व दौड़ कराई गई, साथ ही अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कराया गया। वर्दी का टर्न आउट भी देखा गया। इस अवसर पर आईजी रेंज द्वारा सलामी के उपरांत पुलिस लाइन परिसर के स्टोर रूम, मेस, परिवहन शाखा, शास्त्रागार व पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मानुस पारिक व अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे। विटामिन ए का सेवन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ विभिन्न बीमारियों से भी बचाव करता है। इसी उद्देश्य से बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए का संपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई। एडी हेल्थ डॉक्टर आई बी विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने चरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इस अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि पूरे माह जिले के 594 ANM सब सेंटर्स, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल और जिला महिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस वर्ष 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखें आज से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है वो शुरू किया गया है और इसमें 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। 6 माह से लेकर के 12 माह के हमारे पास जो है 61,640 बच्चे हैं। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो है हमारे पास 116,140 बच्चे हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष में जो है बच्चे हमारे पास 369,699 हैं। इस प्रकार टोटल बच्चे जो हैं हमारे पास जो है 500,000 के ऊपर आते हैं। इसमें 9 माह से लेकर के 5 माह तक के बच्चों का टोटल अगर संख्या देखते हैं तो 545,442 आती है और बच्चों को जो विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है, इसको पिलाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तमाम तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा होती है। तो पूरी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि विटामिन ए जो है 9 माह से लेकर के 5 साल में 9 बार पिलाई जाती है, उसी के तहत ये हमारा प्रत्येक 6 माह पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। आज खोराबार में हमारे मंडल के एडिशनल डायरेक्टर ने इस कार्यक्रम का शुरुआत की। कोहरे की चादर से ढका गोरखपुर, आपको बता दें कि साल समापन की ओर बढ़ते ही ठंड से जनपद में दस्तक दे दिया है। शुक्रवार को सुबह से ही कोहरे की चादर ने पूरे महानगर को ढक दिया, जिसकी वजह से सभी नागरिक सड़कों पर वाहनों की लाइट जलाकर चलते नजर आए। आपदा विभाग ने लोगों से अपील किया है कि गर्म कपड़े और वाहनों की लाइट जलाकर चलें। नेपाल व गहवा माई मंदिर के द्वारा प्रमुख नदियों का पवित्र जल संग्रह करके कलश के साथ सुरक्षा के बीच गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, जहां पर गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारका तिवारी व गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा पवित्र कलश का पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही कलश के साथ में आए नेपाल के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कमाल अर्पण कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे देश से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हर तरह की सामग्री व वस्तुएं आ रही हैं जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग में लाई जाएगी। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद
हुआ गहवा माई मंदिर के द्वारा प्रमुख नदियों का पवित्र जल संग्रह कर माता सीता के जन्म स्थली जनकपुर से विश्व प्रसिद्ध जानकी मंदिर से जल को एक कलश में संग्रहित करके गाजे बाजे के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, जिससे अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। पवित्र कलश का मंदिर प्रबंधन द्वारा स्वागत कर अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया, जो कि देर रात तक अयोध्या पहुंचेगी और नेपाल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पवित्र कलश को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपेंगे। संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नेपाल के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र सिंह, गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, ये जल नेपाल के प्रमुख पवित्र नदी काली गंडकी, सेती, कर्णाली, नारायणी और आपको बता दूं कैलाश मानसरोवर तक का जल इसमें संकलन करके विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जनकपुर के जानकी मंदिर में संकलन किया और वहाँ पे तांबे के घड़े में रख करके एक रथ बना करके उस रथ यात्रा के तहत यहाँ पे लाया जा रहा है और यात्रा यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँच चुकी है। तो यहाँ कहाँ जाएगा ये? यहाँ से भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या जा करके वहाँ पे भगवान के जो अभी भव्य सभ्य हम लोग मंदिर का प्रतीक्षा कर रहे हैं उस जलाभिषेक के को लेकर के वहाँ पे जल लेकर के जाया जा रहा है अयोध्या में। कब से चला है वहाँ पे ये परसों जनकपुर धाम से चली है और आज अयोध्या 12 बजे यहाँ के राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं माननीय चंपत राय जी, उन्होंने बोला है कि 12 बजे तक पहुँचना है और 12 बजे तक हस्तांतरण करनी है वहाँ पे। देखा जाए भगवान राम का ससुराल जनकपुर में था, ऐसे में कितनी खुशी है राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राप्त शिक्षा 22 जनवरी को हो रही है, बहुत बहुत उल्लास का विषय है। और ये
विश्व के हिंदुओं के लिए, ये विश्व के हिंदुओं के लिए, अरबों हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की विषय है। और ख़ास करके भगवान राम का ससुराल हम लोगों को पता ही है और हम लोग कहते भी हैं। और ये त्रेता युग काल से जो नेपाल भारत की जो एक धार्मिक सांस्कृतिक बेटी रोटी की संबंध है, इस कार्य से भगवान राम का जो भव्य सभ्य जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और बेटी रोटी का संबंध और प्रगाढ़ होगा और हो चुका है। इसका नाम और पद जितेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद नेपाल, राष्ट्रीय महामंत्री। जैसे ये रथ आप देख रहे हैं, अयोध्या जा रहा है, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। नेपाल के प्रसिद्ध नदियों का ये जल है जो वहाँ जा रहा है। हजारों लोग, नेपाली लोग, भारत के लोग कई दिनों से चल करके आज गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। इनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोगों में बड़ा उत्साह है, काफ़ी लोग उत्साहित होकर आप देख रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। महाराज जी भी कल वहाँ, आज वहाँ पहुंच गए हैं, मोदी जी पहुंच रहे हैं कल। ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में ये चर्चाएं बनी हुई हैं। ये सारे संसार में लोगों का उत्साह जो है, जो भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में भी, विदेश में भी ये उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। हम लोग भगवान गोरखनाथ जी से ही प्रार्थना करते हैं कार्यक्रम कुशलतापूर्वक सम्पन्न हो। देखिए, जब से भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से ही गोरखपुर को तमाम से सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। गोरखपुर के कार्यकर्ताओं को तमाम सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, चाहे वो शिला यात्रा के रूप में रहा हो, चाहे वो अभी कलश में अक्षत जाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो अभी ये जलाभिषेक का कार्यक्रम जो जल आया ये रहा हो। गोरखपुर की जनता अत्यंत उत्साहित है। गोरखपुर की जनता, एक क्या कहें, हम पूरे भारत की जनता उत्साहित है। भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने सिंहासन पर फिर से विराजमान होंगे। और आज ये विषय और ही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भगवान श्री राम की ससुराल और माँ जानकी के मायके से पवित्र जल लेके हमारे बंधु, एक नेपाल के बंधु जी, उनका भारत के साथ एक अजब एक बाउंडेशन है, एक अजब संबंध है, वो लेकर के आए हैं। और हम सबके लिए उत्साह का और विषय है कि रात से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, रात भी यात्रा नहीं थी लेकिन रात से कार्यकर्ता हिले नहीं, अब पूरे शहर में माहौल बहुत। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का हाल भी जाना, उनसे बीमारी की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती मरीजों में कंबल भी वितरण किया, जिसके संबंध में मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में सेवा के कई कार्य चल रहे हैं, जिसको देखते हुए हम गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पर 200 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि किसी बीमार को सेहतमंद करना या सेवा का सबसे अच्छा कार्य है। हम यहाँ पर कंबल वितरण करने के लिए आए थे, यहाँ पर मरीजों के समुचित इलाज के लिए डॉक्टरों के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारका तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विशेष प्रयास से यहाँ सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं और अभी हम संस्कृत विद्यालय में थे और इस समय आयुर्वेद अस्पताल में हैं, इसमें लगभग 200 पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती हैं। किसी बीमार को सेहतमंद करना ये सेवा का सबसे बड़ा कार्य है। आज हम खास तौर से यहाँ पर इफ्को के सहयोग से कुछ कंबलों का वितरण करने के लिए आए थे। हमारे साथ में हैं हमारे विधायक सम्मानीय श्री विपिन सिंह जी, हमारे महानगर अध्यक्ष सम्मानीय राजेश जी और इफ्को के अधिकारी सम्मानीय श्री अभिमन्यु सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर तथा हमारे द्वारका जी भी हमारे साथ में हैं। खास तौर से हम लोग इफ्को के सहयोग से आज कंबल वितरण का कार्यक्रम है।
उसी निमित्त आए। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गोरखनाथ मंदिर के संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों को कंबल वितरण किया, जिसके संबंध में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सर्दी के मौसम में गोरखनाथ मंदिर में छात्रों को कंबल वितरण किया गया है और जो लोग देते हैं, देने वालों को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमारा कर्तव्य है, हम सभी को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए और दान के साथ में दक्षिणा के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा, दान का महत्व इसलिए है कि देने वाले को किसी प्रकार का एहसास ना हो, जो कुछ मिला है इसी दुनिया में मिला है और जो कुछ दिया जा रहा है इसी दुनिया के लोगों को दिया जा रहा है। ऊपर वाले ने देने वाले एक हिस्से को निर्धारित किया है, इफ्को इस कंबल वितरण कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है, इसके लिए इफ्को को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया था तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके ये कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। हम पूरे इफ्को परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी, CDO संजय कुमार मीना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गीता के 17वें अध्याय में दान का महत्व दिया गया है और दान के साथ में दक्षिणा की बात कही गई है, अर्थात जो कुछ मिला है वही दिया जा रहा है। दक्षिणा का महत्व इसलिए है कि इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए देने वाले को कि मैं दे रहा हूं। हमारे शास्त्रों में और संपूर्ण इफ्को के चेयरमैन सहित उनके पूरे प्रबंध समिति को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस संवेदनशीलता का परिचय देकर आप लोगों की हिस्सेदारी उसमें शामिल की है। लीजिए लीजिए, इधर देखो जो इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सर्दी के मौसम में कंबल वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष सम्मानीय श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे सम्मानीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर तथा श्री अभिमन्यु सिंह जो विशेष रूप से इफ्को के अधिकारी हैं और यहाँ ख़ास तौर से आज हमारे आग्रह के ऊपर यहाँ पर कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम ख़ास तौर से कंबल वितरण का कार्यक्रम है और जो लोग लेते हैं उनका विशेष रूप से योगदान है। देने वाले के संबंध में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि दान हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, उसको हमें करना चाहिए और दान के साथ में दक्षिणा के महत्व को भी बताया है कि दान के साथ दक्षिणा का महत्व इसलिए है कि देने वाले को किसी प्रकार का यह एहसास ना हो कि हम दे रहे हैं। जो कुछ मिला है इसी दुनिया में मिला है, जो कुछ दिया जा रहा है वो इसी दुनिया से दिया जा रहा है, लेने वाले का भी एक हिस्सा है उसमें निर्धारित किया है। हम सम्मानपूर्वक ऐसे लोगों को आज उनका सहयोग कर रहे हैं। हम इफ्को के विशेष रूप से आभारी हैं कि उन्होंने इस मामले में पहल करके हमारा सहयोग किया है। श्री अभिमन्यु सिंह आए हैं, हमारे इफ्को के वाइस चेयरमैन सम्मानीय श्री बलवीर सिंह जी जो बहुत पुराने कोऑपरेटर हैं और वर्तमान में इफ्को के उपाध्यक्ष हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके ये कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं संपूर्ण इफ्को परिवार का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से यह कार्यक्रम आज सम्पन्न हो रहा है। हम अपने आचार्य और गुरुओं को भी धन्यवाद देते हैं कि उनकी गरिमामय उपस्थिति आज हमारे साथ में है।
प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि राम मंदिर को बनाने के लिए 161 वर्ष मुकदमा चला और 161 वर्ष बाद संवैधानिक तरीके से जो कोर्ट का फैसला आया उसी के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही भव्य है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह मंदिर बनने से 1000 साल बाद हमारा गर्व फिर से लौट रहा है, जिसके लिए हम पीएम मोदी को बार बार धन्यवाद देते हैं। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 161 वर्ष मुकदमा चला और 161 वर्ष के बाद एक सम्मान पूर्वक संवैधानिक तरीके से जो फैसला हुआ उसी की एक प्रगति है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये 1000 साल के बाद हमारा प्राइड लौटा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए उनको हम बार बार अभिनंदन करते हैं। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर मारपीट कर लूट व डकैती व अपराध कारित करने वाले 8 अपराधियों के विरुद्ध चिलवाताल थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गैंग बनाकर मारपीट कर लूट व डकैती का अपराध कारित करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर राम प्रवेश राजभर, पुत्र राम कृपाल राजभर व सह अभियुक्त अनिल पासवान, प्रवीण चौहान, जितेंद्र पासवान, रजनीश मिश्रा, संजय कुमार चंद्रशेखर व राहुल जायसवाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा जो संगठित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है उसके क्रम में आज थाना चिलवाताल पर एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंग का लीडर जो राम प्रवेश राजभर है उस पर और उसके साथ अन्य साथियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये लोग मारपीट, लूट और डकैती इत्यादि का अपराध इनके द्वारा कारित किया गया है और शीघ्र इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की। गोरखपुर जिले के चिलवाताल इलाके के रहने वाली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने किशोरी को खेत में ले जाकर दरिंदगी की थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जैसे ही किशोरी के दुष्कर्म मामले की सूचना मिली तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, कल थाना चिलवाताल पर सूचना प्राप्त हुई एक लड़की के साथ कुछ युवकों द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर तत्काल ही FIR पंजीकृत की गई। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तीनों ही जो नामित युवक थे उनको थाना पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई थाना अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। गोरखपुर में वाहन चोरों के शातिर गैंग के सरगना आलोक मिश्रा समेत 4 शातिर बदमाशों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 4 चोरी की गई बाइक, 1 कटी बाइक व बाइक काटने के उपकरण भी बरामद किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक CO कैंड मानुष पारिक ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश चोरी करने के बाद वाहनों को काटकर बेच देते थे। उन्होंने बताया कि नशे के शौक को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक CO कैंड मानुष पारिक ने कहा, जनपद गोरखपुर में SSP महोदय डॉक्टर गौरव ग्रूवर के नेतृत्व में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, इसी के अंतर्गत वाहन चोरों पे कड़ी कार्रवाई करते हुए और पिछले 1 महीने में रामगढ़ताल क्षेत्र और कैंट थाना क्षेत्र से 4 मोटरसाइकिलें गायब हुई थी, चोरी हुई थी। उसी में थाना रामगढ़ताल की पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए एक चोरों के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें से जो उस गिरोह का सरगना है आलोक मिश्रा, यह निवासी है खजरी थाना क्षेत्र का। यह पहले भी 3 बार जेल जा चुका है और इस गिरोह में और इस ये जो 4 मोटरसाइकिलों के साथ में यह पकड़ा गया है और इस पूरे घटनाक्रम में 4 अदद मोटरसाइकिलें जो स्प्लेंडर और CD डिलक्स मेक की है, इसी के साथ साथ मोटरसाइकिलों को जो काटने का सामान है वह भी बरामद हुआ है। दो कबाड़ी जो कबाड़ का काम करते हैं उनसे, तो दो तो चोर हैं इसमें
आलोक मिश्रा और राजकुमार यहीं के रहने वाले हैं और कैलाश नाम का एक कबाड़ का काम करने वाला है, वह सुबह बाजार का रहने वाला है और गोविंद जो बिहार मोतिहारी का रहने वाला है, ये चार लोग आज हिरासत में लिए गए हैं। ये देखते थे कोई भी पुरानी बाइक यदि खड़ी हो और इनके पास में चाबियां रहती थी और ये ट्राई करते थे कोई भी बाइक जैसे स्प्लेंडर हो गई पुराने मेक की, सीडी डिलक्स हो गई, अपाचे हो गई, इस प्रकार की जो पुरानी बाइकें हैं पुराने मॉडल्स हैं उनमें ये ट्राई करते थे कि चाबी लग जाए और ये उसी प्रकार खोल के इसको ले जाते थे। यह जो घटना खुलने में सबसे बड़ा सहयोग रहा है त्रिनेत्र अभियान का रहा है और जो लोकल कैमराज लगे थे उनकी फुटेजेस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं इन अपराधियों तक पहुँचे। अभी तक ये चार ही प्रकाश में आए हैं और भी इसमें आगे विवेचना के क्रम में और जांच के क्रम में देखा जाएगा कि इसकी चेन ये जो है ये कहाँ तक है। अभी तक चार मोटरसाइकिलें हमें प्राप्त हुई हैं इसमें और एक कटी हुई मोटरसाइकिल है और कुछ सामान है जो मोटरसाइकिल को काट